हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं मेरा लॉन्ग हेयर के लिए कैसे एलोवेरा जेल को यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से मेरा हेयर में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मेरा लॉन्ग हेयर करने में ये एलोवेरा कैसे मुझे हेल्प किया है, मेरा हेयर पहले बहुत ही डैमेज था वो कैसे बहुत सॉफ्ट हो गया, एंड मेरा हेयर का टेक्सचर आप देख सकते हो वो थोड़ा वेवी काइंड ऑफ है, बट ये टच करके अगर आप लोग टच कर पाते तो आप लोगों को पता चल जाता कि या ये बहुत सॉफ्ट है। सो ये मास्क अप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट है। तो ये जो मास्क मैंने आज शेयर करने जा रही हूँ या एलोवेरा जेल को मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ फॉर माई सॉफ्ट एंड सिल्की लॉन्ग हेयर के लिए, सो आज ही इस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो पहले मैं मेरा हेयर के अकॉर्डिंग दो एलोवेरा के लीफ ले लिया है, एंड इसको मैंने एक कटोरी में के ले पानी लेके उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप देख सकते हो इसके अंदर कितना सारा धूल है, डाट है, तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। देन मैं एक प्लेट में इसको लेके नाइफ की हेल्प से छोटा छोटा पीस करके इसको कट कर लूँगी, एंड इसके बाद मैं इसको इसका जो साइड का पोर्शन है एंड इसका जो मतलब इसका जो छाले है उसको मैं नाइफ की हेल्प से अच्छे से निकल के एलोवेरा जो जेल है उसको निकाल लूँगी। ठीक है, देन मैंने ये जो मिक्सी ले लिया इसके अंदर जेल को डाल दूँगी, एंड देन मैं ये जेल को अच्छे से मिक्सी की हेल्प से जेल को पेस्ट कर लूँगी। उससे एक थिक एंड रानी कंसिस्टेंसी की एक जेल आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको रेडी कर लूँगी, एंड ये जो एलोवेरा लीव्स के साइड बहुत सारा है उसको मैं रख दूँगी, उसको भी कैसे यूज़ करूँगी मैं दिखा दूँगी। ठीक है, तो यूज़ करने से पहले आप मेरा हेयर का कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही मतलब डल एंड फ्रिजी लग रहा है, एंड ऑल्सो मैं बहुत मतलब दो तीन घंटे से कॉम्ब भी नहीं किया था। सो ये वीडियो मैंने मॉर्निंग में शूट किया था तो इसलिए हेयर थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो ऑलवेज हेयर में कुछ भी अप्लाई करने से पहले हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। ठीक है, सो ये जो मैंने लिप रख दिया था तो इसको मैंने मेरा जो स्कैल्प है उस पर अच्छे से मसाज कर लूँगी, अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, एंड जो रॉ एलोवेरा है मतलब उसको ही अच्छे से हेयर की हर एक पार्टीशन करके हर एक जगह पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे यूज़ करना है। देन मैं क्या करूँगी, फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से थोड़ा मसाज दूँगी। मसाज से देने से क्या होता है, आपका हेयर्स में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, उससे हेयर ग्रोथ भी अच्छा होता है। सो आप देख सकते हो मैं ये जो पेस्ट किया था उसको एक कटोरी में ले लिया, देन मैं ये जो पेस्ट है इसको भी अच्छे से हेयर पे अप्लाई कर लूँगी हर एक कोने कोने में, एंड पार्टीशन करके आपको हर एक जगह पे अप्लाई करना है, कोई भी जगह को नहीं छूटना है। ठीक है, इवन मैं जो मेन जो फोकस रहेगा वो मेरा स्कैल्प ही रहेगा, देन मैं एक्स्ट्रा जो रहेगा उसको मैं मेरा मतलब लेंथ में भी अप्लाई कर दूँगी। तो आप देख सकते हो मैं इस तरह से हेयर को मतलब उल्टा करके मैं एलोवेरा जेल को भी अप्लाई कर दूँगी। आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी अप्लाई कर रही हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं है, वीडियो थोड़ा फास्ट है इसलिए आपको लग रहा है। देन मैं फिर से बहुत अच्छे से मसाज दूँगी, देन मैं इसको थोड़ा एक आवर के लिए छोड़ दूँगी थोड़ा ड्राई होने के लिए, हेयर के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं करूँगी ऑयलिंग, एंड ये मेरा मैजिक ऑयल है जिसकी वजह से मेरा इतना हेयर ग्रोथ भी हुआ है, एंड मेरा हेयर इतना थिक है। ऑल्सो मेरा ही बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा था जिसकी वजह से ये ऑयल की वजह से वो कम भी हुआ था। इसका रेसिपी अगर आप लोगों को जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं इसका रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो मैं हेयर को अच्छे से स्कैल्प में भी मसाज करूँगी एंड लेंथ में भी अच्छे से अप्लाई करूँगी। तो आपका जो हेयर ग्रोथ का जो मेन मतलब मेन चीज़ है वो हेयर मसाज है। अगर आप अच्छे से हेयर मसाज करोगे तो आपका मतलब
स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से और सारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैं लेंथ में बहुत ज़्यादा एलोवेरा जेल तो नहीं यूज़ कर पाई, क्योंकि एलोवेरा जेल मुझे स्कैल्प में ज़्यादा अप्लाई करना था, बट लेंथ में मैं ज़रूर से अच्छे से ऑयलिंग करूँगी, देन मैं फिर से हेयर मसाज करूँगी। अब देख सकते हो मतलब ये थ्री प्रोसेस में 3 बार्स अच्छे से हेयर मसाज किया, ठीक है। देन मैं क्या करूँगी, एक बन बना लूँगी, देन मैं क्लेचर की हेल्प से बन को सिक्योर कर दूँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरे बन का ये नॉर्मल साइज़ जो है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी 5 to 6 hours के लिए, फिर मैं हेयर वॉश करूँगी एंड हेयर इज़ द रिज़ल्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है एंड थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, एंड ये जो हेयर मास्क है एंड जो ऑयलिंग प्रोसेस है जो भी मैंने आज दिखाया, इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करना, एंड रिज़ल्ट कैसा मिला है वापस आके मुझे कमेंट करके फिर से बताना कि आपको रिज़ल्ट मिला है या नहीं मिला है। तो मेरा चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, इससे मैं जब जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इसी तरह के बहुत ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।